मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। इसके अंतर्गत उनके द्वारा 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ तथा 4 विस्तारित वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ भी किया गया। इसी क्रम में गोरखपुर लखनऊ गोरखपुर वंदे भारत के प्रयागराज स्टेशन तक विस्तार के अवसर पर प्रयागराज स्टेशन पर भव्य समारोह का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया तथा वंदे भारत थीम पर आयोजित प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। मंत्री नंदी ने कहा कि वर्तमान सरकार के नेतृत्व में देश निरंतर विकास के पथ पर बढ़ रहा है, चाहे रेलवे हो, रोडवेज हो या आधारभूत संरचना के कारण निरंतर हर क्षेत्र में प्रगति हो रही है। हम एक विकसित देश बनने की ओर निरंतर अग्रसर हो रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन जो लखनऊ जाने के लिए मात्र 3 घंटे में ही पहुंचा देगी, बहुत आरामदेह सफ़र होगा और उसमें स्वल्पाहार की भी व्यवस्था होगी, ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और प्रयागराज में फ्रेट कॉरिडोर और बहुत सारे, अगर हम कहें इन 10 सालों में 2014 से 2024 में रेलवे में ही अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 85,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। उत्तर प्रदेश में रेलवे का लगभग 16,000 किलोमीटर का रेल का नेटवर्क है। एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो जब हम सरकार में आए थे उत्तर प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट थे, आज 21 एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होगा जहां पर 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने वाला देश का पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त है। अगर एक्सप्रेसवे की बात करें तो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे में 37.7% पूरे देश का, अभी हम 7 और एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, आगामी कुंभ तक गंगा एक्सप्रेसवे 36,000 करोड़ रुपए का बन करके तैयार होगा, तो पूरे देश का 50% से अधिक एक्सप्रेसवे होगा निश्चित रूप से। पूरे देश में, मैंने उत्तर प्रदेश की बात की, पूरे देश में कहाँ 74 एयरपोर्ट थे, आज 149 एयरपोर्ट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पूरे देश ने जो छलांग लगाई है, आज पूरी दुनिया इसकी तारीफ करती है और पूरी दुनिया आशा भरी निगाहों से देश की ओर देखती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार है और हिंदुस्तान को प्यार करने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान की तरक्की चाहने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान को ऊंचाई पर देखने वाला हर व्यक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है, उनको स्वीकार कर रहा है, NDA को स्वीकार कर रहा है। भारतीय मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा कि यह गाड़ी न केवल राष्ट्र की धार्मिक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को जोड़ेगी बल्कि यह औद्योगिक और आर्थिक विकास को भी तेज गति देने का काम करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो रेलवे की बहुत सारी परियोजनाएं हैं उसका शिलान्यास और उद्घाटन किया, करीब करीब 85,000 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास और उद्घाटन किया गया पूरे देश में। जहां तक उत्तर मध्य रेलवे की बात है, हमारी 81 परियोजनाएं थी जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास और उद्घाटन किया है। उसमें 2 गाड़ियां हैं जो कि हमें जो वंदे भारत है, एक खजुराहो से निजामुद्दीन और दूसरी जो गोरखपुर लखनऊ गाड़ी चलती है उसका विस्तारण किया है गोरखपुर अपना प्रयागराज का। तो इनमें जो 2 महत्वपूर्ण गाड़ियां हैं वंदे भारत, 2 और मिल गई हैं उत्तर मध्य रेलवे को। और इसके अलावा 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल और हमारा जो गुड शेड है उनका, और प्लस जो पिट लाइन सुबेदारगंज में बनी है उसका, और जो 3rd लाइन का हमारा कार्य चल रहा है जिसमें एक कुछ सेक्शन, एक 9 किलोमीटर का सेक्शन पूरा हो चुका है, इन सब परियोजनाओं को माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को समर्पित किया है आज। कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ तिलक लगाकर पुष्प वर्षा की गई तथा अतिथियों की उपस्थिति में ढोल नगाड़ों के साथ ट्रेन को लखनऊ के लिए रवाना किया गया। उल्लेखनीय है कि ट्रेन का नियमित संचालन 14 मार्च से होगा। ये ट्रेन शनिवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। प्रयागराज से गाड़ी संख्या 22,550 दोपहर 3:15 पर प्रारंभ होगी तथा रात 10:40 पर गोरखपुर पहुंचेगी। इसी तरह गोरखपुर से गाड़ी 22,549 सुबह 6:05 चलकर दोपहर 1:35 पर प्रयागराज जंक्शन पहुंच जाएगी।
इस ट्रेन का ठहराव रायबरेली, लखनऊ, अयोध्या धाम तथा बस्ती में होगा। कार्यक्रम के दौरान ही अन्य परियोजनाओं जिनमें 5 स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद स्टॉल, सूबेदारगंज में नवनिर्मित पिट लाइन तथा प्रयागराज DDU के मध्य तीसरी लाइन का राष्ट्र को समर्पण भी अतिथियों द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नंदी, सांसद केसरी देवी पटेल, विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह, विधान परिषद सदस्य निर्मला पासवान सहित अन्य जनप्रतिनिधि तथा JRUCC, DRUCC सदस्यगण सहित महाप्रबंधक रविन्द्र गोयल, मंडल रेल प्रबंधक हिमांशु बडोनी, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय सहित प्रधान कार्यालय के प्रधान विभागाध्यक्ष और मुख्यालय एवं मंडल के अन्य अधिकारीगण तथा कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।